टाइटन से मिली 35 रन की हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को क्या हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि जब उन्हें अवार्ड दिया गया तो वो उसे लेने नहीं पहुंचे, बल्कि धोनी की जगह सीएसके के नए कप्तान बने ऋतुराज गायकवाड़ ने उनका अवार्ड कलेक्ट किया। आईपीएल 2024 में 10 मई को चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस के साथ था। ये मैच अहमदाबाद में खेला गया, जिसमें मेजबान गुजरात ने रनों का पहाड़ खड़ा कर सीएसके को उसके बोझ तले दबा दिया। गुजरात टाइटंस ने मुकाबले में पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 3 विकेट पर 231 रन बनाए। गुजरात की ओर से ओपनिंग करने उतरे शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने कमाल की शतकी पारी खेली। दोनों ने ओपनिंग विकेट के लिए रिकॉर्ड 210 रन की पार्टनरशिप की। गिल ने 55 गेंदों पर 104 रन बनाए तो साई सुदर्शन ने 51 गेंदों में 103 रन की पारी खेली। जवाब में 232 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके 20 ओवर में 8 विकेट पर 196 रन बनाकर थम गई। चेन्नई सुपर किंग्स तो ये मुकाबला जीत नहीं सकी, लेकिन सीएसके फैंस के लिए अच्छी बात ये रही कि उन्हें धोनी की बल्लेबाजी देखने का मौका मिला। धोनी आखिर तक नाबाद रहे और सिर्फ 11 गेंदों में 26 रन बनाए। 236.36 के स्ट्राइक रेट से खेली गई इनिंग में धोनी ने एक चौका और 3 छक्के लगाए। धोनी का स्ट्राइक रेट सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों के मुकाबले में सबसे ज्यादा रहा, जिसके चलते उन्हें मैच के आखिर में इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच चुना गया।